देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। के बाद सोमवार को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर देश और दुनिया के कोने कोने से आए धर्मावलंबियों के जनसैलाब ने त्रिवेणी संगम में स्नान श्रद्धा पथ में तब्दील हो गया। जहां एक नजर जा रही थी वहां तक बस और बस श्रद्धालुओं का ही जनसैलाब नजर आया। गंगा मैया के नारे लगाते श्रद्धालुओं के चलते ही संगम तट पर पैर रखने को जगह नहीं थी। श्रद्धालु जय श्री राम जय गंगा मैया के गगनभेदी उद्घोष के बीच हाथों में ध्वजा लिए कोई संगम की ओर दौड़ता नजर आया, कोई दंड कमंडल मन का लिए संगम में डुबकी लगा रहा था तो कोई सूर्य देव को पोष स्नान के बाद अर्क दे रहा था। यहां का माहौल पूरी तरह से श्रद्धा के सराबोर में नजर आ रहा था। पौष पूर्णिमा का स्नान पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज में इस वक्त कुंभ चल रहा है। कुंभ के अंदर श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जब कुंभ का स्नान शुरू हुआ था तो नागा साधुओं ने सर्वप्रथम वहां पर डुबकी लगाई थी और श्रद्धा से भगवान शिव को याद किया था, गंगा माता को याद किया था। कुंभ का त्योहार मान चलिए पूरा वहां का जो माहौल है पूरी तरह से भक्तिमय है, क्योंकि भक्त वहां पर पहुंचकर भगवान से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। पौष पूर्णिमा के स्नान पर वहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब भी वो उमड़ा था। पग पग पर वहां पर अगर एक पग रखते हैं तो दूसरे पग रखने की जगह नहीं है, इतने श्रद्धालु इतने भक्त वहां पर पहुंचे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पूनन पे जुड़ चुके हैं अमरीश सिंह। अमरीश बताएं कि वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, कितने भक्त हैं और किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। जी रौनक, जिस तरह सरकार का दावा था दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, उसी की तर्ज पर पूरा प्रयागराज जो है वो भक्तिमय हो चुका है। कुंभ को लेकर आकर्षण का केंद्र यहाँ पे दूर दूर से आए साधु संत और विभिन्न अखाड़ों के जो महंत हैं वो हैं। इसके अलावा जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, रोज नहा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि रोज 15 से 20 लाख लोग आम दिवस पर डुबकी लगा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा के स्नान पर 1 से 1.5 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की संभावना जताई थी सरकार ने, और कहीं काफी हद तक वो सही होती नजर आ रही, क्योंकि आकलन जहां तक है वो 1 करोड़ के ऊपर का ही है। मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, स्नान शुरू हो गया था। पहला स्नान अभी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का बीता है, आज दूसरा स्नान था, और अब 4 फरवरी को अमावस्या का जो दूसरा शाही स्नान होगा वो 4 फरवरी को होगा। लेकिन प्रयागराज जहां हम देख सकते हैं सरकार के जो बड़े दावे थे और 4800 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं थी कुंभ को लेकर वो काफी हद तक सही नजर आ रही है। दूर दराज से आए लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ, हर बार की अपेक्षा इस बार का कुंभ जो है वो वाकई अद्भुत है। अमरीश बात करें तो इतने लाखों लोग हर दिन आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में क्या तरह की किस तरह की व्यवस्था की गई है कि लोगों को परेशानी का सामना भी ना करना पड़े, और जो सुरक्षा के बंदोबस्त कर रखे हैं उसमें क्या परेशानियां सामने आ रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक अच्छी है, क्योंकि जल पुलिस, थल पुलिस, सेना, PAC भी जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। मंत्रियों का रोज आवागमन है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा 71 देशों के राष्ट्र ध्वज यहाँ फहर चुके हैं, जो कि इतिहास है कुंभ भारत के इतिहास में। अभी 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति आए, कुंभ के इतिहास में दूसरा मौका है जब किसी देश जब देश का राष्ट्रपति आए हैं। इससे पहले सन 1953 में राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, और उसके बाद राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति का आना, इसके अलावा 18 दिसंबर को स्वयं प्रधानमंत्री का सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायजा लेना एक वाकई सराहनीय है। और 5 बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं, और 29 तारीख को फिर से आगमन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बात करें फरवरी में भी शाही स्नान एक दिन का है, तो उस समय कितने श्रद्धालुओं का आने का यहां पर टारगेट रखा गया है, मतलब कितने श्रद्धालु वहां पर आ सकते हैं? 4 फरवरी मौनी अमावस्या का स्नान है, और कहा जाता है मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो सबसे बड़ा स्नान होता है। प्रशासन ने अभी तक जो दावे किए वो 3 से 4 करोड़ का दावा है, लेकिन जहां तक लगता है श्रद्धालुओं का जिस तरह से रोज का आना जाना, उससे लगता है कि 4 करोड़ भी आंकड़ा पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 29 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और जरूर इस मसले पर भी बात होगी कि 4 फरवरी को कैसे इंतजाम किए जाएं। जी जमनीर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। 4 करोड़ का आंकड़ा भी बार कर सकता है 4 फरवरी को, क्योंकि शाही स्नान होगा। सर, शाही स्नान के अंदर 4 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर सकता है। इस जनवरी के अंत में वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैबिनेट की बैठक लेंगे। तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी हैं।